मैं सुजाता मिश्रा और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि फोटोशॉप के जरिए कैसे हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर चाहिए और एक रेफरेंस वेबसाइट चाहिए, जिसको देख के हम बिल्कुल एज इट इज़ उसकी उस वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। मैंने एक वेबसाइट ली हुई है vividtechno.com और ये एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी है और मैं सेम बिल्कुल यही वेबसाइट आपको फोटोशॉप से डिज़ाइन करके और डेवलप करके दिखाती हूँ कि हम कैसे फोटोशॉप का यूज़ करके एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं देख रही हूँ, ये वेबसाइट का एक पेज मैंने खोला हुआ है और इस वेबसाइट के पेज को मैंने प्रिंट स्क्रीन कर लिया। प्रिंट स्क्रीन करने के बाद फिर मैं फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर पे जाऊंगी। फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद फाइल में गए, फाइल में न्यू फाइल लिया और इसका नाम रख दीजिए जो भी आपकी वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं। मैंने विविड टेक्नो ही रखा हुआ है, विविड टेक्नो। एंटर करने के बाद ओके कीजिए, कैनवस आ गया। जो हमने प्रिंट स्क्रीन किया हुआ है उसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और ये देखिए एक वेबसाइट जो वहाँ पे हमने देखी हुई है एज इट इज़ यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें नीचे का अगर पेज और भी ज़्यादा चाहिए तो हम यहाँ पे आए और यहाँ से मैंने थोड़ा सा नीचे किया, इसका ये वाला सेक्शन लिया, इसको भी सेम प्रिंट स्क्रीन करना है। प्रिंट स्क्रीन किया और फिर से मैं फोटोशॉप के इस पे आ गई। यहाँ फोटोशॉप पे आने के बाद मैंने इसका एक न्यू लेयर लिया यहाँ से और न्यू लेयर लेने के बाद मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया और न्यू लेयर लेने के बाद एक सेकेंड, ये कॉपी नहीं हुआ है। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमने इसका प्रिंट स्क्रीन किया। प्रिंट स्क्रीन करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हमने न्यू लेयर लिया और न्यू लेयर पे जाके प्रिंट स्क्रीन था, कंट्रोल वी गया और ऐसे एक नया लेयर आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस कैनवस की साइज़ को बढ़ाना है। कैनवस की साइज़ को बढ़ाने के लिए हम एडिट सेक्शन में गए, सॉरी इमेज सेक्शन में गए और इमेज में जाके हम कैनवस साइज पे जाते हैं। कैनवस साइज पे जाने के बाद हमें इसकी हाइट को बढ़ाना है और यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको मैंने 20 कर दिया। 20 करने के बाद ओके किया तो ये कैनवस इसका बढ़ गया है हाइट। इस जो फर्स्ट वाली लेयर है मैं उसको ऊपर करूँगी एरो की से, धीरे धीरे वो ऊपर आ जाएगा जो इमेज है। यहाँ पे इसको ट्रैक करके भी यहाँ पे ला सकते हैं और थर्ड लेयर पे जाएंगे। थर्ड लेयर पे जाने के बाद हमने इसका ये वाला पोर्शन हमें कट करना है। हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको मैंने कट कर दिया, इस एरिया को डिलीट किया, ये कुछ ऐसा आ रहा है। इसके बाद मैंने इसको मैच किया, कंट्रोल डी किया जिससे ये सिलेक्शन हट जाए। और इस वाली लेयर को फिर ऊपर लेके आएंगे हम ट्रैक करके, ठीक है। ये आने के बाद आप देख रहे हैं ऐसा आपको एक लेआउट मिल जाएगा जैसा हमें वेबसाइट का चाहिए और जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको हम क्रॉप कर लेंगे यहाँ से लेके और जहाँ तक हमें चाहिए यहाँ तक मैंने इसको क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद मैंने एंटर कर दिया और
ऐसा समथिंग मेरे पास एक पेज डुप्लीकेट आ गया है मेरी वेबसाइट का, और इस पे अब मुझे स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग के लिए हमारे पास टूल है, ये है स्लाइसिंग का टूल, और स्लाइस टूल को सेलेक्ट किया हमने। स्लाइसिंग करने के लिए जैसे ये लोगो है, लोगो को मैंने स्लाइस किया जितना एरिया मुझे चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक स्लाइसिंग किया मैंने। सेम स्लाइसिंग यहाँ से लेके यहाँ तक किया मैंने, और ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में की स्लाइसिंग कर दी जहाँ से जहाँ तक हमें चाहिए। यहाँ से लेके फिर यहाँ तक स्लाइसिंग किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर हमने स्लाइसिंग किया। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, और जहाँ पे भी हमें स्लाइसिंग जितने जितने में एरिया में चाहिए वो हम यहाँ से स्लाइस कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस वाले टूल को लेना है, जैसे ये स्लाइसिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और ये स्लाइसिंग करने के बाद फिर हम इस फाइल को फाइल सेव एज करेंगे, सेव फॉर वेब। ये कुछ हमारा इस टाइप से आ जाएगा स्लाइसिंग के बाद, और यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको सेव करना है पीएनजी में या जेपीजी, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे आके सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे मैंने लिया, डेस्कटॉप पे विविड टेक्नो नाम से मैं सेव कर रही हूँ। और जैसे ही आप सेव करेंगे, हम डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे, विविड टेक्नो के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा। सर्च करते हैं हम, एक बार हम फिर से इसको कर लेते हैं, फाइल सेव फॉर वेब, सेव, डेस्कटॉप हमने सेलेक्ट किया हुआ है। डेस्कटॉप पे विविड टेक्नो के नाम से सेव, रिप्लेस किया, और यहाँ पे आपका विविड टेक्नो, ये देखिए एक पेज क्रिएट हो चुका है। बट इसमें आप ध्यान रखिए, जब भी आप इसको सेव कर रहे हैं, फाइल सेव फॉर वेब, इसको एक फोल्डर बना लीजिए। वेब के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, और इस वेब के अंदर इस विविड टेक्नो को सेव किया मैंने स्टार्ट के साथ दी। ये वेब आ रहा है, वेब के अंदर मैं चेक करती हूँ, अपने आप एक फोल्ड बन जा रहा है इस नाम से विविड टेक्नो, और जो भी इमेजेस स्लाइसिंग की हुई है ये सारी इमेजेस इसी फोल्डर में आ जाएगी। और विविड टेक्नो इस पर क्लिक करेंगे तो एज इट इज़ कॉपी एक वेबसाइट की आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी वेबसाइट की कॉपी करके हम उसके पेज को बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं फोटोशॉप में, और ओनली टू मिनट में आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और
नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी ट्रिक आपको मिलेगी फोटोशॉप की और वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, कि कैसे वेबसाइट को डिज़ाइन करें और कैसे हम वेबसाइट क्रिएट करें और अर्निंग भी कर सकते हैं हम इससे। थैंक यू सो मच, मेरा वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।